भैया मैंने आपको शुरू में कह दिया, ये गुलाम मानसिकता वाला देश रहा है, कई सौ साल गुलाम रहा है, अभी गुलामी मानसिकता पूर्ण रूप से गई नहीं है। यहाँ विभिन्न जातियों में ये ब्राह्मण हैं, ये जाट हैं, ये गुजर हैं, ये तमाम बिरादरों मौर्या हैं, ये इसमें विभाजित हैं। अन्नदाता किसान, किसानों की कोई बिरादरी नहीं होती है, बेरोजगार नौजवानों की कोई बिरादरी नहीं होती है, सैनिकों की कोई बिरादरी नहीं होती है और छात्रों की कोई बिरादरी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, अवकील को गैर बिरादरी, गैर हिंदू, गैर मुसलमान से पाला पड़ा है, उस जिसे पाला पड़ा है उसका नाम है अन्नदाता। 2014 में अडानी और अंबानी ने पैसा लगाया था बीजेपी के ऊपर, संघ के ऊपर, और ये सौदा तय हुआ था कि अगर सरकार हमारी बनती है तो आपके फायदे के लिए ही कानून लाया जाएगा, जैसे रेलवे बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं। खरीद कौन रहा है? 70 साल के इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहला शासनाध्यक्ष है जो किसी देश में प्रचार मंत्री के रूप में गया हुआ था, अमेरिका में। हाउडी मोदी इधर उधर करके, अरे जुमलेबाज है, आसाराम के चेले हैं, इन सबों की बात पर ध्यान मत दीजिए। ये कानून वापस नहीं लेने के लिए तैयार हैं, तो किसान भी अधिक है कि हमें तुम्हें घुटनों के बल ला करके, आइन की भी हालत वही होगी जो डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है अमेरिका में। दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, करीब 62 किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार टस्से मसनी हो रही है, किसानों को सिर्फ तारीख तारीख मिल रही है। दरअसल ये देश जो है गुलामी मानसिकता वाला देश है। इस देश के लोग 1 रुपये की चाहत में जहर की पुड़िया भी ले लेते हैं। इस देश में सबसे बड़ा अगर लालची कौम है तो इस देश का अंधविश्वासी हिंदू बकलोल अंधभक्तों की फौज है। उसी तरीके से RSS संघ में उनके भक्तों को सुझाई नहीं दे रहा। वो तो पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, यानी पूरे किसानों के मधुमक्खी के छत्ते में इन्होंने हाथ डाला है, और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का परिणाम पूरी सरकार की चूल हिल गई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सुझाई नहीं दे रहा कि हम करें तो करें क्या। अगर इन्होंने बल प्रयोग कर दिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश सीरिया जैसा देश तब्दील हो जाएगा। चतुर्वेदी जी, जो मोदी सरकार है, जितने भी फैसले लेकर आई है, चाहे जितने भी कानून लेकर आई, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, 35 हो, किसान कानून हो, 3 तलाक हो, कोई भी वापिस तो लिया नहीं है मोदी सरकार ने। इसको लेना पड़ेगा, इस बार उनका पाला इस देश के परिश्रमी अन्नदाता किसान भाइयों से, इस बार उनका पाला अन्नदाताओं से पड़ा है, जिनकी औलादें बॉर्डरों पे शहीद होने के लिए खड़ी हैं। सरकार कहती है ये कानून बढ़िया है, कम से कम उसको 1.5 साल देख लो। राजनाथ जी भी बोल चुके हैं इससे किसानों की आय 2 गुना होगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे किसानों के। राजनाथ सिंह जी को आप नेताओं की श्रेणी में गिनते हैं क्या? वो तो मोदी को लाए थे इस लालच में कि अगर संख्या बल कम हुआ तो सेकुलर विचारधारा के अनुसार मुझे लोग नेता मान लेंगे, लेकिन इसका उल्टा हो गया, 282 सीट आ गई। रहा बात ये कि 2014 में अडानी और अंबानी ने पैसा लगाया था बीजेपी के ऊपर, संघ के ऊपर, और ये सौदा तय हुआ था कि अगर सरकार हमारी बनती है तो आपके फायदे के लिए ही कानून लाया जाएगा, जैसे रेलवे बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं। खरीद कौन रहा है? अडानी अंबानी। सर, जो अडानी अंबानी जो बड़े दो उद्योगपति इस पूरे किसान आंदोलन में, इन्होंने कहा है कि हमको बदनाम किया जा रहा है इस पूरे किसान आंदोलन में, जबकि हम किसान से डायरेक्ट ना जमीन लेते हैं, ना हम उनसे अनाज खरीदते हैं, हमको इसमें ना घसीटें। अरे भाई, आपके जो चपरासी हैं इस देश के प्रचार मंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार मंत्री थे। 70 साल के इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहला शासनाध्यक्ष है जो किसी देश में प्रचार मंत्री के रूप में गया हुआ था, अमेरिका में। हाउडी मोदी
इधर उधर करके, अरे जुमलेबाज हैं, आसाराम के चेले हैं, इन सबों की बात पर ध्यान मत दीजिए। ये कानून वापस नहीं लेने के लिए तैयार हैं, तो किसान भी अधिक है कि हमें तुम्हें घुटनों के बल ला करके, आ इनकी भी हालत वही होगी जो डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है अमेरिका में। जो बाबा रामदेव हैं चतुर्वेदी जी, वो कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है देश में। क्यों, अब बताइए, रामदेव जैसा विद्वान अनपढ़ जाहिल वो इस देश को उपदेश दे रहा है। संघ ही जितने हैं रेपिस्ट हैं, भ्रष्ट हैं, देशद्रोही हैं, इस देश के नागरिकों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं देशभक्ति का कि आप देशभक्त हो, और जो इनके विचारों को न माने वो देशद्रोही है। तो देख सुन लीजिए, अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इस देश का नौजवान, छात्र, बेरोजगार नौजवान और इस देश का पूर्व सैनिक और सैनिक और किसान एकदम तैयार है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें इसको बदलनी है। सर, जो सबसे बड़े वकील हैं देश के, अटॉर्नी जनरल हैं, वो कह रहे हैं ये असली किसान नहीं है, किसान तो खेत में पानी लगा रहा है, गन्ना छील रहा है, ये है नक्सली खालिस्तानी। अच्छा, ये कौन से होते हैं भाई? इस देश का पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे हुआ था, उसी संगठन के वो अटॉर्नी जनरल भी होंगे, वो कौन से वकील हैं? उस सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलाली करते हैं, उनका बस यही काम है और कुछ काम नहीं है। जो कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी टूट फूट गई है। टूटेगी नहीं, उन कमेटी के सदस्यों को अपना हश्र मालूम है कि हमारा हश्र क्या होगा। सरकार दो चार साल के लिए बची है या बीच में लुढ़क जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। लोग धीरे 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 धीरे, इस सिपाहों का दौर चल रहा है, इनकी चून हिली हुई है, ये घबराए हुए हैं, परेशान हैं एकदम। जो है आपको बता दूं कि हिटलर की तरीके से माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी सुसाइड करेंगे। सर, वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी कोई इतना बड़ा डरपोक आदमी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा डरपोक, वो तो पार्लियामेंट में रहा, आज मुख्यमंत्री है तो बड़े बहादुर है, सुरक्षा व्यवस्था में चल रहे, पार्लियामेंट में विधवा आलाप कर रहे थे, पूरा देश देखा था, पूरी दुनिया देखी थी। लेकिन वो कह रहे हो उत्तर प्रदेश तो खुशहाल है और हम फिल्म सिटी बना रहे हैं वहाँ पर। ये उत्तर प्रदेश खुशहाल है तो यहाँ की जनता जो है किसान आंदोलन में है, इका पाकिस्तान से आई है कि इंग्लैंड से आई कि अमेरिका से आई है, योगी जी बता दें, वो क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है ये लोग? वो कह रहे हैं सर, इस कानून से, जो किसान कानून लेकर आई मोदी सरकार, इस कानून से किसान आज़ाद हो जाएंगे, अब तो गुलाम थे। अच्छा, ये भी गुलाम थे, इस देश के में संविधान लागू हुआ, ये कहते मैं चाय बेचता था, चाय वो कहीं नहीं बेचते थे, पाकिट मारी में उनको 6 महीने की सजा हुई थी, और उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसी देश के संविधान, इसी देश के लोकतंत्र का नतीजा है कि हिंदुस्तान के शासनाध्यक्ष बने हैं। लेकिन सर, जो युवा पीढ़ी है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा हमारे देश में युवा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा किसान हमारे देश में, इसी युवा पीढ़ी ने, इसी किसान ने इन सरकारों को चुना था, आज इनके खिलाफ बगावत कर रही। भैया, मैंने आपको शुरू में कह दिया, ये गुलाम मानसिकता वाला देश रहा है, कई सौ साल गुलाम रहा है, अभी गुलामी मानसिकता पूर्ण रूप से गई नहीं है। यहाँ विभिन्न जातियों में, ये ब्राह्मण हैं, ये जाट हैं, ये गुजर हैं, ये तमाम बिरादरी मौर्या हैं, ये इसमें विभाजित हैं। अन्नदाता किसान, किसानों की कोई बिरादरी नहीं होती है, बेरोजगार नौजवानों की कोई बिरादरी नहीं होती है, सैनिकों की कोई बिरादरी नहीं होती है, और छात्रों की कोई बिरादरी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, वकील को गैर बिरादरी, गैर हिंदू, गैर मुसलमान से पाला पड़ा है, उस जिसे पाला पड़ा है उसका नाम है अन्नदाता किसान। सर, ये जो आंदोलन चल रहा है, करीब 51 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, क्या सरकार ने इसको शाहीनबाग के रास्ते पर लगा दिया है? कोशिश तो वही किया है, लेकिन अब उनके वहाँ भगदड़ मचनी चालू हो गई है। आपको मैं बता रहा हूँ कि इनकी 2-3 सरकारें शहीद हो जाने दीजिए, उसके बाद ही भाग खड़े होंगे। हरियाणा जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा, और बिहार की सरकार इनकी जाने वाली है। सर, इस किसान आंदोलन में कहीं भी कांग्रेस जो है सामने नहीं आ रही है। भाई, कांग्रेस इनके कुकर्मों का तमाशा देख रहे कि जो कुकर्म कर रहे हैं, क्या वो ले लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर या पेंगांग झील के ऊपर इन्होंने जो ड्रामा किया हुआ है, चाइना के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलने की हैसियत नहीं है। राजनाथ सिंह ने उनको नंगा किया भरी सदन में कि ये इस देश में
ये जो है झूठ बोल रहे हैं, जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं, राहुल गांधी ने ठगी हैं। एक साल पहले बोला था, एक साल पहले तो राहुल गांधी ने कह दिया था सदन में, सदन में जननायक राहुल गांधी जी ने खुलेआम कह दिया था, प्रधानमंत्री जी आपके जो ये नए नए कानून बन रहे हैं, नए नए पूंजीपतियों के लिए लाभ देने की बात कर रहे हैं, यही भारत की जनता तुमको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी, जिसका नमूना जिसका नमूना हरियाणा में आपको मिल गया है, आप भी लोगों ने उसका हेलीपैड उखाड़ा है, आप भी लोगों ने उसका मंच उखाड़ा है। ये जनता है, जनता सरपरी है, भारत की लोकसभा की सरपरी है। और जहाँ तक आप अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल होते कौन है? यही किसान के बेटे होंगे, यही मजदूर के बेटे होंगे, क्या उनकी अंतरात्मा मर गई? जिस खेती का अन्न खाते हैं, जिस चूल्हे की रोटी खाते हैं, जिस माता के हाथ की बनी हुई रोटी खाते हैं, उनकी आत्माएं मर गई? क्या उनका खाने क्या लंदन से आता है या नागपुर से आता है? अटॉर्नी जनरल अपना दिमाग सुधार लो। त्रिवेदी जी ये बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां उच्चतम मूल्य क्यों नहीं दे रहा किसानों को, वहां क्यों ये पीछे खींच रहे हैं किसानों को? अच्छा ही बताइए, पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन किसानों ने किया है, राजस्थान सरकार के खिलाफ किया है, या मान लीजिए झारखंड है महाराष्ट्र है, यहाँ कहीं आंदोलन हुआ किसानों का? नहीं हुआ है। केरला में आप ही जैसे किसी पत्रकार बंधु ने वहाँ के मुख्यमंत्री से प्रश्न किया कि दो चार सीटें बीजेपी यहाँ जीत गई है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ शिक्षा का अभाव है, मैं शिक्षा का स्तर बढ़ा दूंगा, बीजेपी समाप्त हो जाएगी। जिस दिन इस देश का नागरिक शिक्षित हो गया पूर्ण रूपेण, जिस दिन इस देश का जो है छात्र पूर्ण रूपेण जागरूक हो गया, उस दिन बीजेपी ऐसे अहरी गहरी लोग नेता दिखाई नहीं देंगे धरती पर। क्या बात करें सर, अमित शाह कह रहे हैं 50 साल बात करेंगे देश के अंदर, क्यों उनके बाप का लोकतंत्र का रास्ता ही लाएंगे? उनके बाप का है संविधान, उनके बाप ने निर्मित किया है भाई। दो बार तो ऐसी लग रहा कि उनकी बाप की सरकार चल रही है भाई साहब, अगली बार उनके बाप की सरकार नहीं चलेगी, और इस बार खूंटा काट देंगे, खूंटा कील काटेंगे। तो ये तो जो जनप्रतिनिधि है, हमारी भी इनसे बात हुई थी, मैंने कहा भाई 2022 में कैसे करोगे आप, कैसे किसान यूपी में आओ ना, यूपी में आओ। वो कह रहे हैं कि ये तो अडानी अंबानी और मोदी से नाराजगी है, हमें तो वोट दे देंगे कोई दिक्कत। हाँ, आओ आओ देंगे, बलात्कार करने के लिए देंगे, हिंदू बहु बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम करने के लिए देंगे, पेंगंग झील बेचने के लिए देंगे, देश बेचने के लिए देंगे। ये देश पंडित नेहरू की छूर से चल सकता है, इन आतंकवादी देशद्रोही संघियों के छूर से नहीं चलेगा। एक प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी के, ये 70 साल में जो कांग्रेस ने हालत करी है ना किसानों की, ये अब हमारे सिर पड़ रही है आगे। अरे उनसे पूछिए प्रवक्ता से, जो तुम्हारे अब्बा जान पापा, अब भक्तों के पापा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो बेच रहे हैं, उस 70 साल में गाँव में और देहातों में कहावत से तमाम लोग देहात के हमसे सीनियर साथी पड़े हुए हैं, जो व्यक्ति जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई धरती को बेचता है या नुकसान करता है, उसे नकारा और नालायक कहा जाता है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री के लिए। बहुत हो गया सर, आजकल जो युवा पीढ़ी है कल के लिए, जो अब कल के लिए प्रदेश में चंदा उघा रहे हैं तुम बंदे के लिए, तो मजे में है वो। अरे मैंने कहा ना, ये पॉकेट मारी उचक्कों बलात्कारियों की पार्टी है बीजेपी। बुलंदशहर वाला कांड जो हुआ है ना, वही कहना चाहते हैं। वो कांगे सोने की डाइन थी, कांगे ज्यादा नहीं जाते। चलो ठीक है।